हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G54 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज है आप उसे तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर में काफ़ी सारे क्लाउड्स ऐप अवेलेबल हैं जो कि स्टोरेज होते हैं, तो आप उन ऐप्स का यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि आप अपने मोबाइल फोन से फालतू का डेटा हटा के आप अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, कैसे रीसेट करेंगे? देखिए, किसी भी ऐप को आप उंगली से दबा के रखेंगे, एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं उन सभी फालतू के ऐप्स को अपने फोन से हटा दीजिए, यानी कि अनइंस्टॉल कर दीजिए। देखिए, आपके मोबाइल फोन के जो ऐप्स होते हैं आपके मोबाइल फोन के स्टोरेज को कवर करके रखते हैं, तो आप अगर फालतू के ऐप्स हटा देंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन के जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिलती है उन ऐप्स के अंदर से बैकअप की सेटिंग को बंद कर देना है। कैसे बंद करेंगे? देखिए, आप जो है ना, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अपने फोन की गैलरी ओपन करता हूँ। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है प्रोफाइल पिक्चर पर। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, बैकअप की सेटिंग आपकी अगर ये चालू रहती है तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप की सेटिंग मिलती है उन ऐप्स के अंदर से बैकअप की सेटिंग को बंद कर देना है। ठीक है, अब ये तो होगी ऐप्स के बैकअप की सेटिंग के बाद, अब आपको अपने मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग बंद करनी है। कैसे? मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये बैकअप का सेटिंग मिलता है, बैकअप की सेटिंग देखिए मेरी पहले से ऑफ है। ठीक है, अगर ये बैकअप की सेटिंग आपकी चालू रहती है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है, देखिए मैं बैकअप की सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि अगर हमारे फोन के ऐप्स की बैकअप सेटिंग और मोबाइल फोन की बैकअप सेटिंग चालू रहती है तो इससे हमारे फोन का स्टोरेज जो है ना वो भरता रहता है। ठीक है, तो फुल होता है रहता है, तो आपको अगर ये बैकअप की सेटिंग बंद कर देंगे तो आपका इससे जो मोबाइल फोन का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पर आपको टैप करना है। ठीक है, सिस्टम पर टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी जरूरी डेटा है वो सारा का सारा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर देना है और फालतू का डेटा फोन में ऐसे छोड़ देना है, रीसेट करने से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा।